सर क्या कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब, कहते हैं जी लाहौर में भी जलसा होगा, वहाँ पर अतात अरड़ साहब कह रहे हैं कि जी आप लाहौर आकर तो देखो। वो डिफॉल्टर है, उनको पता है कि हम नहीं आ गया तो सारी हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी, और इसमें क्या कर लो, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सारे अपने अपने जो था ना मदों में लगे हुए हैं, अपनी अपनी मस्तियों में लगे हुए। अगर कोई भी जहरीला जानवर पर आप डालते हैं तो या तो भागता है या वो आप पर वार करता है। अभी ये तो बेचारे भाग नहीं सकते, फंसे हुए तो लाजमी बढ़ के तो मारेगा। सच्चे बंदे को आप कह रहे हो आके दिखाओ ते पाजा ने आ उन्होंने जाना जे लाजमी आने के लोग ना जलसा करना ही करना, असी सारे नाल हैं। कोई दुश्मनी नहीं हमारी, हम सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि NOC मिले या ना मिले लाहौर में जलसा होकर ही रहेगा, और अतात आरण साहब जरा सुनिएगा वो कि क्या कह रहे हैं। तो तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। तो वो ये कह रहे हैं कि आओ देख लेते हैं, आप लाहौर आओ तो सही, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। समझ से बाहर ये है बात कि ये सियासतदान एक दूसरे को तड़ियाँ लगा रहे हैं, यानी मुल्क हमारा किस किनारे पे खड़ा हुआ है, किस जगह पे जा रहा है, आवाम कितनी परेशान है महंगाई में या हर तरह से परेशान है, और सियासतदानों को यानी अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, अतात आरड़ साहब हैं वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, हैरान कौन सी बात है। आइए आवाम से बात करते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। क्या कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब, कहते हैं जी लाहौर में भी जलसा होगा, NOC मिले या ना मिले, वहाँ पर अतात अरड़ साहब कह रहे हैं कि जी आप लाहौर आकर तो देखो, यानी सियासतदान आपस में एक दूसरे को तड़ियाँ लगा रहे हैं, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे हैं। किधर जा रहा है ये मुल्क, किधर जा रहे हैं ये सियासतदान? मुल्क जो है ना, ठीक है जी, और हम इमरान खान के साथ हैं और हम अमीन गंडापुर के साथ हैं, ठीक है जी। वो जब इंशाल्लाह हम उनके कह रहे हैं कि जी आकर दिखाओ और यूं कर दो वो कर दो। वो डिफॉल्टर है, उनको पता है कि हम नहीं आ गया तो सारी हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी, और इसमें क्या कर रहे और इससे क्या कर, ठीक है ना। ऐसे तड़ियां लगानी चाहिए या आवाम का सोचना जलसा करना या? सर ये जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने अपना सोचना है, आवाम का नहीं सोचना, ठीक है। और इमरान खान जो है वो इसलिए आवाम का सोचने के लिए आया था और इन्होंने उसको अंदर डाल दिया, जिनमें कोई नहीं इंशाल्लाह ताला वो आएगा, और ये आवाम के साथ हैं हम और आवाम इमरान खान के साथ हैं। क्या बात है, क्यों जी? जी जी ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, तो ये सियासतदानों को कुछ आवाम के लिए भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, अतात अरड़ साहब को या कोई भी बंदा हो? ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सारे अपने अपने जो था ना मदों में लगे हुए हैं, अपनी अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। असल बात ये है सर, आवाम पिसती जा रही है, पिसती जा रही है, बस हर कोई अपनी मस्ती में लगा हुआ, कोई किसी को किसी का ख्याल ही नहीं है। किसी को नाम अतात अरड़ साहब को, अतात अरड़ साहब को कि आप अगर इतना आपको शौक है ना तो इमरान खान को बाहर निकाल ले और करें, एक साइड पे इमरान खान हो और पूरा शरीफ खानदान एक साइड पे हो। अरे क्या बात, क्या कहते हैं जी? मेरा बयान तो, मेरा सवाल तो आपने सुनी लिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि लाहौर में भी जलसा होगा। अच्छा, और NOC मिले या ना मिले होकर ही रहेगा, जिसमें अतात अरड़ साहब ये कह रहे हैं कि जी आप एक दफा लाहौर आए तो सही, हम देखते हैं कैसे आते हैं आप लाहौर। सर अगर आप देखें, अगर कोई भी जहरीला जानवर पर आप डालते हैं तो या तो भागता है या वो आप पर वार करता है। वार करता है। अभी ये तो बेचारे भाग नहीं सकते, फंसे हुए तो लाजमी बढ़ के तो मारेगा। क्या बात है, खूब मिसाल दी है। जरूर बात है, बढ़ के तो मारेगा, ये तो फिर मैदान पे पता लगेगा ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। शेख चली के ख्वाब, इस्लामाबाद में भी जलसा हुआ है और सर ये शेख चली का ख्वाब देखते रहते हैं, कोई बात नहीं देखते रहे, जब मौका जाए तो फिर पता लगेगा क्या बात है, कौन जीतता है कौन हारता है। तो अतात अरड़ साहब को क्या पैगाम है? उनको बस फिर मैं यही पैगाम दूंगा कि सुधर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर आप लोगों की ये पाकिस्तान या डीट चौक में लड़के हों और भागते भागते ये आवाज़ें लगाते हो मुझे क्यों निकाला। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी हमने लाहौर में भी जलसा करना है और जलसा बड़े धूमधाम से होगा, तो NOC मिले या ना मिले हमने जलसा करना ही करना है, जिस पर अतात अरड़ साहब जो कह रहे हैं कि अतात अरड़ साहब कह रहे हैं कि एक बार लाहौर आगे देखो तुसी, यानी जैसा कि यानी सियासतदान एक दूसरे को तड़ियां लगा रहे हैं, अवाम किधर जाए बेचारी, क्या हो रहा है ये, क्या अतात अरड़ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं जी लाहौर आगे देखो एक बार पहलवानी
गवर्नमेंट हुकूमत जारी बात है, लेकिन वो आएंगे उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, वो आएंगे। अब देखें इसमें हमने क्या बहस करनी है, सबको पता है सब कि ये क्या हो रहा है, ये एक कॉमन सी बात है, इधर आके दिखाओ, ये करो वो करो, ये क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस, कुछ भी नहीं, सब समझ आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आ रही है कि ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ से ये शो होता है, यकीन होता है कि खान बिल्कुल जेन्युइन सच्चा बंदा है, हाय हाय है ना, सच्चा बंदा बिल्कुल ठीक है, सच्चे बंदे को आप कह रहे हो इत्थे आके दिखाओ ते पाजा ने आ उन्होंने जाना जे, हाँ जी क्यों जी है, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे भी सवाल कर लेते, सवाल मेरा सुन ही लिया आपने जी जी। कि ये तात अरड़ साहब कह रहे हैं जी एक बार आके दिखाओ, बिल्कुल मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमने आना ही आना, आनगे आनगे क्यों नहीं आनगे, लाजमी आनगे, लाहौर उन्होंने जलसा करना ही करना, असि सारे नाल हैं, आप सब साथ हैं, साथ लाहौर ये साथ है जी, और ये आतारण साहब क्यों कह रहे हैं, सिमसन ये मैं समझता हूँ कि सारे सियासतदान समझ लगा लें कि ये अवाम के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो ना वो इस चीज़ का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन वो आएंगे लाहौर जलसा होगा आप देखेंगे, पता चलेगा सबको, पता चलेगा कैसा जलसा हुआ, जैसे इस्लामाबाद में भी हो गया माशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा हुआ, लाहौर में इससे ज़्यादा होगा, बढ़ के होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि लाहौर में जलसा होगा, हर तरह से होगा, हम आएंगे लाहौर जलसा करेंगे, उधर से अतातारण साहब कहते हैं कि एक बार आ जाओ वहाँ, यानी ये क्या चल रही है, खिचड़ी क्या पक रही है, अवाम किधर जाएगी बेचारी जो अवाम परेशान। सर ये अतातारण बंदा जो है ना वो बंदा है ही नहीं, पहली बात है इधर सब सिर्फ और उन्होंने हाँ को आने नहीं देना, सब डरे हुए हैं, हकीकत बात भी यही है, डरे हुए हैं। अब ये जो अमीन गंडा साहब कह रहे हैं ना, ये अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा, अगर खूनी खेल खेला जाएगा, उन्होंने हाँ अल्लाह पाक माफ करे मेरे मुंह में हाँ कैसे, हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारा मुल्क है ये, हमारा पाकिस्तान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अब तो लोग बदजन हो चुके हुए हैं, हकीकत बात है बदजन हो चुके हुए हैं, मैं चाहता हूँ मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ, मेरे बच्चों का फ्यूचर नहीं है इधर, नहीं है नहीं, तो अफसोस की बात हमारे लिए। साहब जो है ये क्यों कह रहे हैं सर, मसलन बाय द वे अगर आ भी जाते हैं, जलसा होता भी है, पिछले माजी में भी हमने देखे हैं बड़े जबरदस्त जलसे हुए हैं, बड़ी हुकूमतें आई हैं, सर ऐसे तो पहली दफा देख रहे हैं ना, आईन कानून ही नहीं है इस मुल्क में, कानून खत्म हो गया सारा कुछ, खत्म हो गया है, जो जोर बार है ना बस उसका ही वो काम है सारा, वो ही रहेगा। अतातारण साहब क्यों कह रहे हैं, अगर बाई द वे फोर जलसा करने आ भी रहे हैं तो अतातारण साहब कह रहे हैं आगे देखो ये क्या हो रहा है, यानी अवाम का तो सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को तड़ियां लगा रहे हैं। अवाम का क्या सोचना है, अवाम का किसी ने सोचना, अवाम का अल्लाह ही सोचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होना, अगर इन्होंने कुछ करना है तो करप्शन खत्म करें, करप्शन खत्म करें फिर मुल्क ठीक होते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ ये बातों से मुल्क ठीक नहीं होंगे, इस तरह ही करेंगे, आपस में लड़ते हैं, मुल्क के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, जो आम खुदकुशियाँ कर रही है उनको बिल नहीं उतारे जा रहे, सिर्फ क्या 200 यूनिट पे इस बार बिल ही नहीं आए हमें, 5000 रुपया काम कर रहे हैं, 5000 से क्या होना, जब बिल ही 50000 होना 45000 हो जाएगा। अतातारण साहब को क्या पैगाम है, देखें मेरी रिक्वेस्ट है, पैगाम नहीं है कि आप कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, हम सारे पाकिस्तानी हैं, पर प्लीज पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें, कुछ कोई क्या ना करें। अरे क्या बात है यार, वेरी गुड यार, क्या बात है, वेल डन, ये मेरे चैनल पे वैसे भी VPN बॉय के नाम से मशहूर है, और कमाल बात कर दी यार आपने कि कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं ये सोचना चाहिए, वेरी गुड बात है जी, बहुत खूबसूरत बात बच्चे ने की है, मेरे पास आ जाओ बेटा जरा, कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। बहरहाल अतातारण साहब आपने बच्चे की बातें भी सुन ली हैं, हमारा काम यही होता है, अली अमीन गंडापुर साहब आपने भी सुन लिया है कि जलसे जुलूसों से क्या होता है और क्या मामला है क्या नहीं है, ये सारी अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए और आपके चेहरे के आंसू चुरा लिए जाएँ, आपके चेहरे पर हंसी दे दी जाए, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी
कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, चले मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा, मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, साथ है।